Yes, good morning student. Welcome to DoFly JEE NEET. So this is the fifth lecture. आज अपन बात करेंगे एरर की. एरर क्यों जरूर, एरर होता क्या चीज़ है, एरर के बारे में बात करेंगे. आपने देखा भी होगा कि जब भी आप बात करते हो कोई भी एक्सपेरिमेंट होने की, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो वो एक ही एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट किया जाता है. सपोज कि आपने कोई एक रीडिंग, कोई आप चाहे फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करो चाहे केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करो, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पे आप वो चीज़ जो है एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हो, तो वो क्यों करते हो? कभी आपने सोचा इसके बारे में, सर एक ही एक्सपेरिमेंट बार बार क्यों कराया जा रहा है? तो इसका मतलब क्या है? कुछ तो मतलब होगा ना उसका. तो इसका मतलब क्या है कि एक होता है आपके पास एरर. एरर का मतलब होता है ट्रू वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू. जैसे सपोज अगर ये मार्कर है, अगर मैं 10 बच्चों को ये मार्कर बोलूं कि इसकी लेंथ क्या है, तो 10 बच्चे 10 रीडिंग बताएंगे. कितनी? हाउ मच रीडिंग दे विल टेल अस? 10 रीडिंग. कितनी? 10. तो 10 रीडिंग बताए. है पेन एक ही, पेन तो एक ही है, लेकिन 10 अलग अलग रीडिंग बताए जस्ट बिकॉज ऑफ, हो सकता है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है उनके जो मेजरमेंट किया हो या कुछ एंगल का कुछ अंतर ले लिया. तो इसका मतलब हर बच्चा जो है अलग अलग एक्सपेरिमेंट, अलग अलग जो आपका रीडिंग बताया, तो वो एक्चुअल इसका जो एक्चुअल लेंथ है उससे डिफरेंस हुआ. तो इसका मतलब यही क्या कहा जाता है, एरर. मतलब इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू. इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू. सर ट्रू वैल्यू आपने कैसे निकाला? ट्रू वैल्यू ऐसे निकालते हैं, मान लो कि आपने 10 कोई एक्सपेरिमेंट किया n टाइम्स, ठीक. उसका कौन सा लेते हैं? अरिथमेटिकल मीन. सपोज आपने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसकी रीडिंग a1 आई, a2 आई, a3 आई, a4 आई, a5 आई. मान लो इसी पेन के ही बारे में बात करें, तो ये पेन जो है 5 बच्चों ने अलग अलग रीडिंग बताई. तो अगर हम इसका मीन ले लें, क्या ले लें? मीन. अब मीन निकालना जानते हो, अरिथमेटिक मीन क्या है सर? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डिवाइडेड बाई प्लस a5 डिवाइडेड बाई 5. ये आपके पास ए मीन आया. क्या आया? ए मीन. सर ए मीन आ गया. अब एक होता है एब्सोल्यूट एरर. क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर जो आपके पास ये मीन वैल्यू आई है, जो आपके पास ये मीन वैल्यू आई है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू. क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू. साहब यही आपके पेन की रीडिंग है, यही ट्रू वैल्यू है. अब सर एक्चुअल वैल्यू, अगर पहले बच्चे ने गलती, अगर हम कहें कि एब्सोल्यूट एरर पहले बच्चे ने कितना की, तो डेल्टा a1 की जो वैल्यू आएगी, डेल्टा a1, तो सर कुछ नहीं, मीन वैल्यू माइनस जो बच्चे ने रीडिंग मेजर की थी a1. बच्चे 2 ने क्या गलती की? आप कहोगे सर ए मीन माइनस a2. बच्चे 3 ने क्या गलती की? ए मीन माइनस a3. बच्चे 4 ने क्या गलती की? ए मीन माइनस a4. बच्चा 5 ने क्या गलती की? ए मीन माइनस a5. सो दीज आर द डिफरेंट एब्सोल्यूट एरर ऑफ स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5. ये आपके पास हर बच्चा, हो सकता है कि एक ये जो आपके पास अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है. अगर बाय द वे कोई बच्चा ऐसा है जो मीन वैल्यू के एग्जैक्ट भी मेजर कर सकता है, तो इसका मतलब जो आपके पास एब्सोल्यूट एरर आएगा, जो आपके पास एब्सोल्यूट एरर आएगा, इट मे बी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, और जीरो भी वैल्यू हो सकती है. ये जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है ये तीनों हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. ठीक है सर. अब हम बात करते हैं, सर मीन वैल्यू समझ में आ गई, पहले हम मीन निकालेंगे फिर एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे. अब हम बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर की. ध्यान से समझें, मीन एब्सोल्यूट एरर हेडिंग लिखें, मीन
एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर। अब सर जो आपके पास एरर आई है, एरर तो सर हमारे पास ये है, ये पांच एरर है, तो इनका मीन लेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए एम बार बोलते हैं, या इस तरीके से इसको मॉड में रखते हैं, डेल्टा ए एम बार बोलते हैं, या डेल्टा ए बार एम नहीं लिखोगे, ऐसे बार लगाओगे तो ये सही है। तो डेल्टा ए बार की वैल्यू हो सकता है, इसकी वैल्यू जो आ रही है पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मॉड लेते हैं डेल्टा ए वन मॉड डेल्टा ए टू मॉड प्लस मॉड डेल्टा ए थ्री प्लस मॉड डेल्टा ए फोर प्लस मॉड डेल्टा ए फाइव डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो आपके पास ये जो कैलकुलेशन आएगी इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब, अच्छा मॉडुलस का क्या मतलब है, सपोज ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ रही है, क्या रही नेगेटिव, तो मान लो कि आपके पास ये एक रीडिंग है, जैसे मान लो ये नेगेटिव आ रही है, मॉडुलस में अगर आप ये डेल्टा ए वन रखते हो, डेल्टा ए वन तो ये है नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या कंसीडर करोगे, पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है, इट विल बिकम पॉजिटिव, मॉडुलस लगने से क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो रहेगी, तो ये डिफरेंस होता है मॉडुलस लगाने से, कोई सा भी वैल्यू हो जो नेगेटिव वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव वैल्यू। राइट इट डाउन, समझ में आ गया। चलिए, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब हम बात करते हैं आपके पास परसेंटेज एरर की, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी से ही आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। राइट इट डाउन, परसेंटेज एरर, पहले रिलेटिव एरर लिख लें, रिलेटिव एरर क्या होता है, जो आपके पास ये वैल्यू आई है डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए मीन, जो शुरू में निकाला था वो वैल्यू आप अगर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए मीन, तो यू विल गेट अ रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। ठीक है सर, अब एक होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए एम मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड। तो इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर। क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर। राइट इट डाउन, सबने लिख लिया। एक छोटे से क्वेश्चन से बात करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। पहला क्वेश्चन, मान लो तीन वैल्यू हम लेते हैं और परसेंटेज एरर निकालते हैं। मान लो यही पिन है, तीन बच्चों को दिया गया, जो स्टूडेंट वन है, ए वन की वैल्यू उसने बोला 1.32 है, ठीक, दूसरे बच्चे ने बोला 1.30 है, ठीक, और तीस ये ए टू बोला, ए थ्री ने बोला 1.34 है। अब आपसे ये पूछा कि एक बात बताओ कि परसेंटेज एरर क्या है, मीन वैल्यू क्या है, सारी वैल्यू पूछ लिया, तो पहले आप क्या मीन वैल्यू निकालोगे, 1.32 प्लस 1.30 प्लस 1.34 डिवाइडेड बाई थ्री, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.96 आ जाएगी, ठीक, 3.96 डिवाइडेड बाई थ्री, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.32 आ गया। ये ए मीन आया सर, ए मीन के बाद हमें क्या निकालना है, डेल्टा ए वन निकालना है, कि पहले बच्चे ने गलती क्या की, तो पहले बच्चे ने आपने पढ़ा ए एम माइनस ए वन, तो पहले बच्चे ने कोई गलती नहीं की, तो ये वैल्यू क्या है, ए मीन 1.32 माइनस 1.32, तो पहले बच्चे ने कोई गलती नहीं की, दूसरे बच्चे ने गलती की है ए एम माइनस ए टू, ए एम की वैल्यू 1.32 माइनस 1.30, वैल्यू क्या आएगी, 0.02, लेकिन तीसरे बच्चे ने गलती क्या की,
AM माइनस 83 वैल्यू क्या है 1.32 माइनस वैल्यू कितना 1.34। ठीक, तो ये वैल्यू इसने गलती क्या किया माइनस 0.02। अब आप ये जानते हो कि अगर हमारे पास ये वैल्यू एब्सोल्यूट एरर आ गई तो मीन एब्सोल्यूट एरर कौन सा, मीन एब्सोल्यूट एरर जिसको आप डेल्टा ए एम बार से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये वैल्यू क्या आती है डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री डिवाइडेड बाई थ्री। ठीक, तो अब सारी वैल्यू आपको पता है, सर ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू पॉजिटिव है 0.02, सर ये वैल्यू नेगेटिव होने के बावजूद भी यू विल कंसीडर एज अ पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास वैल्यू क्या मिल रही है 0.04। तो ये आपके पास 0.04 डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास क्या आ गया डेल्टा ए मीन आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको परसेंटेज एरर भी निकालना है और उसमें और भी क्या चीज़ें निकालनी है, रिलेटिव एरर भी निकालना है। अगर मैं आपसे कहूँ रिलेटिव एरर तो आपने कहा कि डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाई ए एम, डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाई ए एम, तो वैल्यू रख दो, डेल्टा ए बार की वैल्यू आपने अभी निकाली है 0.04 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई ए एम, ए एम की वैल्यू देखो ये आपने निकाला है मीन वैल्यू 1.32, ये वैल्यू कितना 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 1.32 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, तो ये आपके पास क्या आ गया रिलेटिव एरर। अगर मैं कहूँ कि परसेंटेज एरर भी बताओ, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट, ठीक, तो आप कहोगे कितना 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 1.32 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो अगर 100 से मल्टीप्लाई हो तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1.32 डिवाइडेड बाई 3, तो 4 ये वैल्यू कितना हो जाएगा 8, 4 × 12 एक, 4 × 1 = 4, 4 × 5 5.28। ठीक, अब यहाँ पे आपके पास डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से ये डिवाइड करोगे 3 × 1 = 3, 2 × 2, तो वैल्यू कितनी आपके पास हो जाएगी 21 1.27, वैल्यू कितना है 5 × 3 × 3 = 2 1, 3 × 6 = 18, तो ये वैल्यू कितना परसेंटेज का एरर आ रहा है 1.76% का क्या आ रहा है एरर आ रहा है। सो दीज आर दी बेसिक फंडा, आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट मेजर किया गया 5 स्टूडेंट से, तो इसमें रिलेटिव एरर बताओ, मीन एरर बताओ, परसेंटेज एरर बताओ, तो आपको डरने कोई बड़ी बात नहीं है, सारी चीज़ें आराम से आप कर सकते हो। चलिए साहब, अब बात करते हैं नेक्स्ट, राइट इट डाउन, प्रोपोगेशन। अगर आपके पास सपोज दो एरर का एडिशन हो, अब ऐसा हो सकता है कि दो एरर का एडिशन हो या दो एरर का सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, कोई सा भी फार्मूलेशन हो सकता है। तो एरर के टर्म्स में मान लो कि आपने सपोज एक एग्जांपल के फॉर्म में बात करें तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मान लो एक ये आपके पास लेंथ थी, ये लेंथ है, ये विड्थ है, आपकी लेंथ में एरर एल की जो वैल्यू है एल प्लस डेल्टा एल, आपने कुछ एरर यहाँ पर किया है, तो यहाँ पे लेंथ में भी एरर है विड्थ में भी एरर है। तो अगर लेंथ और विड्थ में एरर है तो जब भी आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो एल इंटू बी ही करोगे, एल इंटू बी। जब इसमें एरर है, इसमें एरर है, इसमें भी एरर है लेंथ में भी और विड्थ में भी एरर है, तो इसका मतलब डेल्टा ए में भी एरर आएगा। समझ पा रहे हो ना भाई, अगर जब लेंथ में एरर है विड्थ में भी एरर है मेजरमेंट करने से, तो इसका मतलब एरिया में भी एरर आएगा। तो इसी तरीके से जैसे ये मल्टीप्लिकेशन में है वैसे हो सकता है एडिशन में भी हो सकता है दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की जा रही हो। तो एक फार्मूलेशन होता है, उस फार्मूलेशन को देखते हैं, राइट इट डाउन, एरर इन एडिशन ऑफ, एरर इन सम ऑफ क्वांटिटी लिखें, एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज, एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज। अगर मान लो आपके पास x एक वैल्यू है x = a + b, ठीक, अब ये
डेल्टा ए क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए. राइट डाउन एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए. एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए. ठीक है, एब्सोल्यूट एरर जो भी आप जैसे अभी कैलकुलेशन किया था, ऐसे डेल्टा बी में भी एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी. तो यहाँ डेल्टा एक्स में भी आएगा, जाहिर सी बात है. तो आपको डेल्टा एक्स में एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, तो आपके पास डेल्टा एक्स की क्या वैल्यू होगी? डेल्टा एक्स में प्लस माइनस वही डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. एक्स में भी एरर ऐसे ही होगी. ठीक, अब यहाँ पे परसेंटेज एरर पूछता है. परसेंटेज एरर इन एक्स तो वैल्यू क्या होगी? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, एरर पॉजिटिव भी निगेटिव भी, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव ही लेंगे, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू 100. तो ये आपके पास परसेंटेज एरर इन क्या हो जाएगा? एक्चुअली ये मीन वैल्यू आपके पास, ये आपके पास क्या है, ए वैल्यू एक क्वांटिटी है, और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है एब्सोल्यूट एरर में, ठीक, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू 100. अगर यही चीज़ माइनस के साथ होती, एक्स के सपोज ये वैल्यू ए माइनस बी होती, तो सब कुछ वही होता. तो अगर मैं पूछता परसेंटेज एरर इन एक्स, तो आप क्या कहते? तो इसका मतलब यहाँ पे ए माइनस बी का फार्मेट आता. क्या आता? ए माइनस बी. परसेंटेज एरर इन डिफरेंस की बात करते तो आपको पता है कि ये दोनों एरर हैं साहब. तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपके पास दिया है ए माइनस बी, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स. तो ये आपके पास परसेंटेज एरर इन एक्स आ जाता. अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ए प्लस बी. ठीक, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे, वो भी आसान है. सब कुछ अगर ऐसे ही रहा तो ए बाई बी, ए प्लस बी, ए इंटू बी, तो आप परसेंटेज एरर बता सकते हो. फार्मूलेशन में भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक्स बराबर आपके पास ए इंटू बी है, तो सब कुछ वही डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए इंटू बी. तो परसेंटेज एरर वैल्यू क्या होती? अगर ए इंटू बी है तो डेल्टा ए यहाँ पे डिवाइडेड बाई डेल्टा ए बाई ए. वैल्यू अगर यहाँ पे बात करें तो डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस, यहाँ पे परसेंटेज एरर पूछा है, मतलब डेल्टा एक्स बाई एक्स आपके पास, इसकी वैल्यू क्या हो जाती? डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स. तो इस तरीके से आप परसेंटेज एरर बता सकते थे. तो वैल्यू क्या आ जाती? तो याद रखना, डेल्टा एक्स बाई एक्स की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या होगी? प्लस में ही होगी. डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाइड बाई 100. अगर यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालना चाह रहे हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाइड बाई 100, मैक्सिमम फ्रैक्शन एरर हो जाएगा. राइट इट डाउन, मतलब परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी, दोनों का परसेंटेज एरर क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे मैं परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए प्लस बी में परसेंटेज एरर का, तो परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, इन मेजरमेंट ऑफ बी. आगे एक छोटे से क्वेश्चन से ही बात कर लेते हैं. सपोज आपके पास, मान लो कि ये एक इस तरीके से है, लेंथ जो है 5 मीटर है, ध्यान समझना, और जो बिड्थ है, जो बी है वो 3 मीटर है. इसमें जो एरर है डेल्टा ए की जो वैल्यू है 0.5 मीटर, यहाँ पे 0.3 मीटर. तो बोला कि यहाँ पे एरिया में क्या रिलेशन होगा, तो आप एक बात बताओ, एरिया आप डेल्टा ए, डेल्टा एरिया आपकी बात करना चाह रहे हो, मतलब एरिया बराबर सर एल इंटू बी, एरिया बराबर एल इंटू बी. तो डेल्टा ए में क्या रिलेशन? डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा ए में कितना चेंज आया है? कितना चेंज है? 0.5 डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ क्या है? 5 मीटर, प्लस डेल्टा बी में
0.3 डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दोगे 100, देन यू विल गेट द एरर इन एरिया, परसेंटेज एरर इन एरिया। तो आप ऐसे बता सकते हो, ठीक। तो ये तो कहानी किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की। किसकी कहानी है, मल्टीप्लिकेशन की। अब बात करते हैं, आपके पास सपोज डिवीजन आती है, डिवीजन में भी यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। देखते हैं कैसे, आपका जो वैल्यू है वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो ए बाई बी की, एक्स इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक। तो तरीका वही, एक्स डिवाइडेड बाई ए बाई बी, सब कुछ वही तरीका। डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक्स में आप परसेंटेज एरर निकालना चाह रहे हो, मतलब डिवीजन में, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू वैल्यू कितना, डेल्टा ए बाई ए जितना इसमें परसेंटेज एरर का है, डिवाइडेड बाई डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास पॉजिटिव में, ये फ्रैक्शन, या यूँ कह सकते हो कि ये आपके पास रिलेटिव एरर होगी। जैसे अगर परसेंटेज पूछा जाता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई आप 100 कर देना। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हो तो इस साइड भी आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, सपोज एक क्वांटिटी है प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, आप सब जानते हो। तो अगर फोर्स का अगर कोई मान लो कि 10 न्यूटन प्लस 0.7 रख लो, 0.7 न्यूटन, इसमें प्लस माइनस का अंतर है ये है। अगर एरिया में, अगर ये तो फोर्स का है सर, एरिया में अगर वेरिएशन 0.1 मीटर स्क्वायर प्लस 0.5 मीटर स्क्वायर, इसका 0.05 मीटर स्क्वायर का ये डेल्टा ए में वेरिएशन है, तो बोला कि प्रेशर में, प्रेशर में चेंज बताओ। तो सर कुछ नहीं करना है, डेल्टा पी बाई पी मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू प्लस वैल्यू कितना, डेल्टा एफ में कितना वेरिएशन है, डेल्टा एफ बाई एफ प्लस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। डेल्टा एफ की वैल्यू ये है, ये एफ दिया है, डेल्टा ए ये है, ये ए दिया है, सारी वैल्यू पता है, बस वैल्यू डालो आंसर निकालो। तो इस तरीके से आपके पास जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि सर अगर आपके पास एरर है तो एरर हमेशा जुड़ती हैं, सब्सट्रैक्ट नहीं होती, एरर हमेशा क्या होती है, एडअप होती हैं, ठीक। अगर मान लो कि कोई चीज़ पावर में दिया है, हो सकता है कोई चीज़ पावर में है, सपोज एक एक्स क्वांटिटी है वो पावर में दी है, कोई एक फार्मूलेशन है जिसमें मान लो पी की पावर क्यू आर की पावर एस डिवाइडेड बाई टी की पावर, यहाँ पे ए मान लें, तो इस तरीके से पी क्यू आर एस टी यू मान लो, तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट पावर हैं। मतलब लिखने का मतलब, अगर मैं डेल्टा एक्स बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100 लिखना चाह रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, जो पावर होती है उसको पहले ले आते हैं, तो ये वैल्यू प्लस वैल्यू कितना हो जाएगी, क्यू इंटू डेल्टा पी बाई पी मल्टीप्लाइड बाई 100, बाद में 100 यहाँ पे कर लेंगे प्लस। तो यहाँ पे ये जो पावर है एस डिवाइडेड बाई यहाँ पे डेल्टा आर बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 100, बाद में इकट्ठा लिख लेंगे प्लस। यहाँ पे अगर ये डिवाइड है तो आपने कहा कि ऐड होगा, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी, कितना u डेल्टा t बाई t मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आप इससे कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। इसका मतलब क्या आपने सीखा कि अगर मान लो कि यहाँ पे जो भी पावर आ रही है, जो भी पावर आए पावर को पहले ले आओ और इसमें जितना एरर है फ्रैक्शनल एरर डेल्टा पी बाई पी वो आप निकाल करके, और सब एरर को क्या कर रहे हो, एडिंग कर रहे हो, सारे एरर को क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। एक क्वेश्चन से बात करते हैं, राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, इन एन एक्सपेरिमेंट फोर क्वांटिटीज ए बी सी डी A, B, C, D are measured with percentage error, इसमें खुद एरर है, कितना परसेंटेज का एरर है वो लिख लें, 1% का,
2% का, 3% का एंड 4% का एरर है। कैलकुलेट पी लिखें, क्वांटिटी पी एक टर्म है जो कि ए स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी डी में परसेंटेज पूछा है। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि चार क्वांटिटी हैं ए बी सी डी और ये फार्मूलेशन है। तो एक बात बताओ, अगर डेल्टा ए में परसेंटेज एरर ये है, बी में ये है, सी में ये है, डी में ये है, तो एक बताओ कि पी में कितना परसेंट का एरर होगा। तो फार्मूलेशन क्या सीखा आपने? सर फार्मूलेशन मैंने ये सीखा कि इस क्वांटिटी को पहले क्या लिखोगे, परसेंटेज एरर इन पी डिवाइडेड बाई पी मल्टीप्लाइड बाई 100 इन नथिंग बट जो पावर है सर वो पहले ले आएंगे, 3 डेल्टा ए बाई ए, बाद में इकट्ठा 100 से मल्टीप्लाई कर लें आपकी मर्जी, यहाँ पे परसेंटेज एरर इकट्ठा पूछ रहा है, तो यहाँ पे प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाइड बाई 100 तो बाहर लिख दिया हूँ, यहाँ पे प्लस ऐड होगा डेल्टा सी बाई सी प्लस डी की पावर 1 है तो डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये परसेंटेज एरर ही होगा, तो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस डेल्टा सी बाई सी मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आपके पास हर एक टर्म का क्या दिया है, परसेंटेज एरर दिया है कि ए में परसेंटेज एरर कितना है, बी में कितना है, सी में, डी में, तो 3 टाइम्स ऑफ ए में परसेंटेज एरर 1% का, बी में परसेंटेज एरर 2% का, प्लस सी में परसेंटेज एरर 3% का, प्लस 4 में डी में 4% का, तो ये सारी चीज़ें, तो 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 3 वैल्यू ये हो गया, ये 4 ये हो गया, तो आपके पास टोटल परसेंटेज एरर अगर हम बात करें 3 प्लस 4 7 7 प्लस 3 10, तो ये 14% का क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा, किस में, क्वांटिटी पी में। तो इस तरीके से जो आपके पास बेसिक्स हैं, सारा नीट का भी क्वेश्चन कवर करूँगा, एक एक क्वेश्चन जेई का भी कवर करूँगा, सीबीएसई का भी, तो इस तरीके से अब इसकी इस चैप्टर में सिर्फ 2 चीज़ें और बचती हैं, एक तो बर्नियर कैलिपर्स, दूसरा स्क्रू गेज, ये दोनों ही बहुत कम जो है लोगों के पास कंटेंट रहते हैं, तो बर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज और जेई मेंस का या फिर एडवांस का भी बोल सकते हो फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को समझ में ही नहीं आता, तो नेक्स्ट टॉपिक का वेट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, लेक्चर कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।